एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। पारा गिरने से साथ बढ़ी है गलन और कई जगहों पर कोहरा है इस वक्त। मौसम साफ नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 4 दिन भारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी में अलर्ट। 25 जनवरी के बाद बारिश बर्फबारी की भी आशंका है। देश की राजधानी दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश हो फिर राजस्थान, MP, सभी जगहों पर पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। और आज के अगर तापमान की बात की जाए तो तड़के सुबह का तापमान 6 से 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तड़के सुबह की बात की जाए तो हल्की बारिश भी कुछ हिस्सों में हुई है। उस समय कोहरा बहुत ज़्यादा था लेकिन बारिश होने की वजह से कोहरा थोड़ा ज़रूर कट चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम पर और यहाँ पर भी आप देखें तो अक्षरधाम जो मंदिर है वो पूरी तरह से साफ नज़रों से आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि कोहरा अभी भी दिल्ली के कई हिस्सों में इसी तरह से बना हुआ है। हमारे बाईं साइड में मेट्रो का फुटओवर ब्रिज है, वहाँ की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में आने वाले 3 से 4 दिनों में बारिश होने की वजह से पारा और भी ज़्यादा लुढ़क सकता है। यानी कि दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, MP हो, ये तमाम जो राज्य हैं यहाँ पर पारा गिरने से और भी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी और कई राज्यों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में आने वाले 4 से 5 दिन दिल्ली NCR वासियों के लिए परेशानी का सबब ये ठंड और कोहरा बन सकता है। कैमरा मैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, News 24, दिल्ली। तो इस ठंड में आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए।